बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी, फिजिशियन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट पिशावर से। हर साल जुलाई के 28 तारीख को दुनिया भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पे मनाया जाता है, और इसकी वजह यह है कि 2030 तक WHO ने पूरी दुनिया को टारगेट दिया हुआ है कि दुनिया से हेपेटाइटिस एलिमिनेशन हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में दुनिया भर में सरे फहरिस्त है, और इसी वजह से WHO का ये टारगेट हमारे लिए बहुत सारी मानी रखता है। अब WHO के एलिमिनेशन को हम कैसे हासिल करें, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पाकिस्तान में जितने भी हेपेटाइटिस बी या सी के मरीज़ हैं उनकी तशखीस हो जाए और इनका इलाज हो जाए। अब यहाँ पे मसला ये है कि जितने एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 में से 10 लोग या 10% लोग जो है उनको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, ये एक एवरेज है। लेकिन पाकिस्तान के ऐसे भी इलाके हैं, ऐसे भी शहर हैं जहाँ पर ये रेशो 30-40% तक भी बढ़ जाती है। तो मसला ये है कि इन लोगों में जिनको हेपेटाइटिस बी या सी है, लाखों लोगों के बल्कि करोड़ों लोगों को इल्म ही नहीं है कि हमें हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है। लिहाजा एक तो ये ज़रूरी होता है कि हम उन फाइंड द मिसिंग मिलियंस, उन करोड़ों लोगों का हम उनकी तशखीस करें, मालूम करें आया उनको हेपेटाइटिस बी या सी है कि नहीं है। अगर हम हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इलाज ना करें तो होता यह है कि जिस शख्स को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है उसकी जिगर को एक ना तलाफी नुकसान पहुंच जाता है, और शुरू शुरू में इसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, जिगर में सोजिश होती है, उसके बाद सुकराव का अमल शुरू हो जाता है जिसको सिरोसिस बोलते हैं, और अगर अब भी इलाज ना किया जाए तो सिरोसिस की पेचीदगियाँ के जिसमें बेहोशी के, मदहोशी के दौरे आना, खून की उल्टी आना, पेट में पानी का जमा हो जाना और खुदा न खास्ता जिगर का कैंसर हो जाना। तो एक तो हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ की सेहत और उसकी ज़िंदगी को तहफ़ हो। दूसरी बात, ये जिनको हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी है ये एक चलते फिरते बॉम है, ये चलते फिरते इन्फेक्शंस का सोर्स है जो कि उन लोगों को इन्फेक्ट करते हैं कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी नहीं है। फैलता कैसे है, ये खून इंतकाल खून के ज़रिए फैलता है, ये सरेंजेस के ज़रिए फैलता है। अगर एक शख्स को हेपेटाइटिस बी या सी है और उसको मालूम नहीं है और वो किसी बारबर के पास जाता है, नाई के पास जाता है, वहाँ पे वो अपने शेव करता है या अपने बाल मुंडवाता है, तो उसी रेजर से जितने भी लोग उस बारबर की दुकान पे आएंगे उनको ये फैला सकता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी सी है और उसको इल्म नहीं है, उसको जिस इंजेक्शन से, जिस सरिंज से इंजेक्शन लगा है, अगर उसी सरिंज से किसी और को इंजेक्शन लगा दिया जाए तो ये उसको फैला देगा। इसी तरह अगर मियाँ बीवी में से किसी भी एक को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, ख़ासतौर पर हेपेटाइटिस बी है, तो वो अपने स्पाउस को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ या उनका ऐसा प्रोफेशन है जिन प्रोफेशन में ये दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह के इवन डॉक्टर्स में अगर उनको हेपेटाइटिस बी है सी है और उन्होंने अपना इलाज ना किया और वो इन्वेजिव टाइप के उनका प्रोफेशन है, सर्जन हैं, डेंटल सर्जन हैं, तो वो भी आफर दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हेपेटाइटिस सी का तो कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का बहुत ही मुअस्सर वैक्सीन मौजूद है। इसलिए अगर हेपेटाइटिस बी को हम इसको एलिमिनेट न कर सकें तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। पाकिस्तान में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बहुत पहले से ये है कि जो नवजायदा बच्चे होते हैं उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई जाती है। पहले ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन एट द बर्थ लगाई जाती थी, जिस दिन पैदा होते थे उसी दिन लगाई जाती थी, जिसको हैप्पी डोज ऑफ वैक्सीन बोलते थे, लेकिन अब ये एक महीने बाद लगती है। तो एक तो हुकूमत को ये करना चाहिए कि जैसे ही बच्चे पैदा हों उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई जाए। इसके अलावा जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी सी नहीं है और जिनको फैमिली में कोई हेपेटाइटिस बी का मरीज़ है, तो उनके तमाम कॉन्टेक्ट्स को, उनके तमाम रिश्तेदारों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा देनी चाहिए। वो माएँ
जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, जिनको हमल टेरा है, वो अगर इनको हेपेटाइटिस बी है तो इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है कि जब उसका चौथा पांचवा महीना शुरू होता है तो हम उनको मेडिसिन देते हैं ताकि जचगी के दौरान में उनके हेपेटाइटिस की उनका इन्फेक्शन वो बच्चों में ट्रांसफ़र ना हो जाए, और बच्चे की पैदाइश के बाद पर बच्चे को भी हम दो तरह के टीके लगाते हैं। तो हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन के लिए हम सब ने मिलकर इनफरादी तौर पे, एक कम्युनिटी के तौर पे, एक प्रोफेशनल के तौर पे, और इवन एट द गवर्नमेंट लेवल हमने अटेम्प्ट्स करनी है, हमने कोशिश करनी है। तो उम्मीद है कि मेरे इस मैसेज से आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि एक रेड अलर्ट है हमारे लिए हेपेटाइटिस, और 6 साल है हमारे लिए, और हमने इसके लिए एक वार और इसको जो है ना बिल्कुल इमरजेंसी के तौर पे इसको लेना है। और सबसे पहले तो हमें अपने आप को टेस्ट करना है, अगर हमने टेस्ट नहीं किया कि हमें तो हेपेटाइटिस बी या सी नहीं है, हमने अपने रिश्तेदारों का करना है, अपने दोस्तों का करना है। अगर जिनको हेपेटाइटिस बी या सी की खुदा न खासा तशखीस आती है तो इलाज करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी मैंने जिस तरह के मैंने कहा कि जो ये खून लगाने से, इंजेक्शन से, सरिंजेस से, इनसे फैलता है, तो इनसे बचाव के लिए भी हमें तदारक करना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।